ठीक है, टोकन्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग टोकन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई काउंटर टोकन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है, सभी के सभी टोकन्स होते हैं। सभी क्या होंगे? टोकन्स होंगे। अब ये टोकन मीन्स क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में जितने भी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? टोकन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे जो हैश लिखा हूँ, आई लिखा हूँ, एन लिखा हूँ, clud, ठीक है, उस टाइप एंगल ब्रैकेट हमने लगाया, stdio.h, जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी चीजें हम लोग लिखे हैं, सबका अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके एग्जीक्यूट होता है। क्या होगा? कहीं ना कहीं जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा? प्रोसेसर पे होगा, ठीक है, प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। वो एग्जीक्यूट कब किया जाएगा? जब इसका कोई मीनिंग होगा तभी किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है? टोकन होता है, ठीक है। अब इस टोकन्स के अंदर में, ठीक है, चार पांच चीजें आती है। जैसे सबसे पहला आता है कीवर्ड्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, इस प्रकार से और भी चीजें आती है जो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे सिक्स टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, सिक्स टाइप में हमारे टोकन्स को क्लासिफाइड किया गया, मतलब बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला आता है कीवर्ड्स, ठीक है, सेकंड है आइडेंटिफायर्स, थर्ड है कॉन्स्टेंट, फोर्थ आता है स्ट्रिंग्स, फिफ्थ आता है स्पेशल सिंबल्स, और सिक्स्थ आता है ऑपरेटर्स, ठीक है। ये टोकन्स जो यहाँ पे सिक्स टाइप के टोकन्स दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसको सबसे अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये टोकन्स को ही हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और इसी से ही प्रोग्राम बनते हैं, इसी से ही प्रोग्राम बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो पहले से दिए गए होते हैं, पहले से यहाँ पे डिफाइन किए गए होते हैं। मतलब एक कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको वैसे ही यूज करना होता है, पहले से वो दिया गया होता है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। कितने अवेलेबल होते हैं? 32, 32 कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और हर एक कीवर्ड का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम, ठीक है। सिंस कीवर्ड आर रिफर्ड नेम फॉर ए कंपाइलर, दे कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम बिकॉज बाई यूजिंग डूइंग सो वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग, ठीक है। तो देखिए, जो कीवर्ड्स यहाँ पे होते हैं वो तो पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे इस प्रकार के ऑटो, डबल, इंट, ठीक है, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डिफाइन, कैर,
एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्टेंट, ठीक है, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, ये सारे पहले से दिए हुए हैं। हम लोग इसको इनके अलावा और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटो जो लिखा हुआ है उसका कोई एक मीनिंग होगा, ठीक है, डबल जो लिखा है उसका एक मीनिंग होगा, इंट जो लिखा है उसका एक मीनिंग होगा, ठीक है, स्ट्रक्ट लिखा है इसका भी एक कोई मीनिंग होगा, ब्रेक जो है इनका एक मीनिंग हुआ। मीनिंग मीन्स इनकी एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये काम कर रहे होंगे, ठीक है, तभी इनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 की अवेलेबल होते हैं, 32 कीवर्ड्स हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, पहले से डिफाइन किए गए रहते हैं। हम लोग अलग से कीवर्ड नहीं बना सकते हैं, हम लोग अपने से खुद के कीवर्ड्स नहीं बना सकते हैं, हम लोग प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है 32, उसी को हम लोग को यूज़ करना होता है। और ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक, ब्रेक, इस टाइप से हम लोग जो कीवर्ड्स हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी का भी नेम होता है, सबका नाम होता है, ठीक है, हम लोग उसी नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र है तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, है ना, तो मुझे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेरे नेम से, नाम से, ठीक है। कभी ऐसा रहता है क्या किसी का नाम जो है वो नंबर से चालू होता है? नो सर, ठीक है, तो देखो अब आइडेंटिफायर क्या होता है, जनरली किसी का भी नेम हो सकता है, वो किस किस का नेम हो सकता है, वो फंक्शन का नेम हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल का हो सकता है, सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ों में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफायर, ठीक है, अब ये जनरली किसी का नेम रखने के लिए होता है। अब ये नेम हम लोग किस किस का रख सकते हैं, वेरिएबल का, ठीक है, फंक्शन का, ठीक है, एरेस का, ठीक है, किसी का भी, ठीक है, किसी का भी अगर हम लोग को नेम रखना है, उसके नेम को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, नंबर, नम, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नम हम लोग ने डिसाइड किया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा। मीन्स किसी का भी हम लोग अगर नेम रखते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब इसी नाम से ही इस वेरिएबल को पहचाना जाएगा, इसी नाम से ही इस वेरिएबल को पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा, मैंने यहाँ पे नम रखा, ठीक है, इससे हम लोग को समझ में आ रहा है इसके अंदर कोई ना कोई नंबर हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। मैं या फिर यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, कैर नेम, ठीक है, इससे क्या समझ में आया, इसके अंदर हम लोग कुछ नेम डालने वाले हैं, किसी का नाम डालने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर्स डिसाइड करते हैं। अब ये आइडेंटिफायर मतलब नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अब रूल्स कौन से होते हैं, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट रूल होता है कि इसको कभी भी हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मीन्स 99 नम ऐसा हम लोग कभी नहीं दे सकते, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, हम लोग कभी भी दो नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर और यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ दिया, उसके बाद नंबर दिया, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। अगर मुझे स्पेस देना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अंडर स्कोर लगाना पड़ेगा, तब ये करेक्ट हो पाएगा, ठीक है। थर्ड, इसमें कोई भी सिंबॉल्स नहीं हो सकते, सिंबॉल्स यूज नहीं करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन
@123 इस टाइप का अगर कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये वैलिड नहीं होगा। आया समझ में? ऐसा कहीं पे भी हम लोग को सिंबल्स नहीं लेना है, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या होगा कि हम लोग कोई भी नंबर से टोटल, जैसे हम लोग मान के चलो 99 नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और हम लोग कोई भी नंबर से भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट बनाया 9900 ऐसा करके बना दिया, ये वैलिड नहीं है। इसके सामने भले ही हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे D9900 ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है, या फिर मैंने बताया num1, ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया, तो ये वैलिड होगा, ठीक है, ये सही है। लेकिन इस टाइप से अगर हम लोग बना लेंगे, सिर्फ 9900 ऐसे नंबर से बना लेंगे, तो वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग के पास वैलिड क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया num, ठीक है, या फिर नेम लिख दिया, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं रोल, अगर हम लोग को दो वर्ड लिखना है तो एक साथ यहाँ पे लिखो, अगर नहीं लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, या फिर हम लोग कैमल केस का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे लिखें रोल और यहाँ पे कैपिटल एन डाल दो और नंबर, ऐसा ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं इसको, कैमल केस, कैमल रहता है ना, ऊंट जो रहता है, ठीक है, वो रहता है, उसकी गर्दन जो रहती है ऊंची रहती है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऊपर रहता है, फिर नीचे आता है, ठीक है, ऐसा टाइप, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको कैमल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैमल केस। तो जनरली हम लोग इस प्रकार का यूज कर सकते हैं, या अंडरस्कोर वाला लगा सकते हैं, या फिर इस टाइप का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग अगर चाहे तो नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर वन, नम वन, ठीक है, नम टू, ऐसा हम लोग ले सकते हैं, तो ये सब वैलिड है, ठीक है, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल के नेम को, फंक्शन के नेम को, एरेस के नेम को, जो भी हम लोग नेम रखते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिससे हम लोग उस चीज को पहचान सके, ठीक है। तो ये सारे उसके रूल्स थे को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो नेम हम लोग रखेंगे, किस किस का नेम रखते हैं हम लोग, वेरिएबल का, ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या नया चीज है ये, ठीक है, बस इतना जानो कि हम लोग किस किस का रख सकते हैं, वेरिएबल का, फंक्शन का, ठीक है, और एरेज का, ठीक है, या फिर हम लोग बहुत सारे और भी चीजें बनाते हैं जिसके हम लोग नेम रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका नेम कैसे रख सकते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल एक बनाया, ठीक है, वेरिएबल बनाया, मैं उसको इंटीजर टाइप को बना रहा हूँ, और इंटीजर का एक नंबर मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है नम, ये क्या है, आइडेंटिफायर है, क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज किया, ठीक है, मैंने आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज किया, ठीक है, नम। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा इसी नाम से ही मैं इस वेरिएबल को पहचानूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नम, इससे समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ना कोई नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिर हम लोग फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या है, फंक्शन भी कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ void fun1, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फंक्शन बनाते हैं, या फिर void main हम लोग लिखते हैं, main क्या है, ये main क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है, जो हम लोग हमेशा प्रोग्राम में लिखते हैं main, वो क्या है, आइडेंटिफायर है, मतलब या तो फंक्शन का नेम हो, या वेरिएबल का नेम हो, या फिर एरेज वगैरह का नेम हो, ठीक है, जिसका भी नेम हम लोग को रखना है उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, क्योंकि उसी से ही उसको पहचानेंगे हम लोग,
ओके, तो इस आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कभी भी किसी का नाम ऐसे ही नहीं रख देते हैं। सबसे पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि हम लोग को जो नेम है, ठीक है, कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। लाइक जैसे यहाँ पे 99 अनिल में लिखा, ठीक है, इस प्रकार से स्टार्ट नहीं करना है, ये वैलिड नहीं है। हम लोग अनिल पहले लिख के 99 बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड है, ठीक है। नंबर से कभी स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने बनाया है नंबर नम वन, ठीक है, तो ये वैलिड होगा। अगर वन नम में लिख देता तो वो इनवैलिड हो जाता, ठीक है। दूसरा चीज, रूल नंबर टू, कभी भी हम लोग सिंबल्स के साथ यूज नहीं कर सकते, मतलब एट द रेट नम ऐसा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, या फिर हैश नम हम लोग यहाँ पे लिखे वैसा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, ये इनवैलिड होगा, ठीक है। सिंबल्स हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रोल नंबर थ्री, स्पेस हम लोग को नहीं लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल, ठीक है, स्पेस देता हूँ और नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, तो स्पेस क्या है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे स्पेस देना है, ठीक है, तो क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा रोल और अंडरस्कोर लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नंबर, ये वैलिड होगा, ठीक है। अगर मैंने स्पेस ऐड किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम लोग को एरर देखने के लिए मिलेगा वहां पे, ठीक है, क्लियर आया समझ में। पॉइंट नंबर फोर, हम लोग पहले में भी अंडरस्कोर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, पहले भी अंडरस्कोर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को दो वर्ड को ऐड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो अंडरस्कोर लगा लो ये वाला, या अंडरस्कोर लगा लो, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं, एक साथ हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं, या तो हम लोग कैमल केस यूज कर सकते हैं। कैमल केस कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रोल और कैपिटल में यहाँ पे नंबर, ऐसा ऐड कर लो, ठीक है। जैसे हम लोग ने लिखा एक फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये हम लोग ने कैमल केस यूज किया। कैमल केस कैसा हुआ, पहले कैपिटल है, ठीक है, कैमल ऐसे ही रहता है, फिर ऊंचा हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऐसे, ठीक है, कैमल बन गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है लेकिन कैमल है।